वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि आपने अपना सी लैंग्वेज का सबसे पहला प्रोग्राम कैसे राइट करना है, और थोड़ा सा चार लाइनों में सी की हिस्ट्री और जो प्रोग्राम की स्ट्रक्चर होती है उसकी एक्सप्लेनेशन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री सी लैंग्वेज की। दोस्तों जब तक ये खुल रहा है, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वह जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल का आइकन आ रहा है नोटिफिकेशन वाला उसे भी दबाएं, ताजो आपको इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि आप इसकी हेडिंग देख रहे हो, राइटिंग योर फर्स्ट सी प्रोग्राम एंड रनिंग इट, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का। स्क्रीन में जैसे आ रहा है कि इसे डेवलप किसने किया, AT&T बेल लेबोरेटरीज ने 1972 में। और जो ये सी लैंग्वेज थी इसको इनिशियली डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और इसको डिज़ाइन और राइट करने वाले जो पर्सन थे हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज डैनिश रिची थे। और अब भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स के लिए सी कंपाइलर को यूज़ किया जाता है। हमारी यूनिक्स, विंडोज़, लिनक्स के मेजर पार्ट्स हैं जो अब भी सी लैंग्वेज में ही लिखे जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गई एक स्ट्रक्चर बेसिक स्टार्टिंग प्रोग्राम की। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो योर फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे पहली जो लाइन है इंक्लूड studio.h, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जिसका काम क्या है कि जो हमारी ये printf फंक्शन है या स्टेटमेंट है उसमें हम आउटपुट ले रहे हैं हेलो वर्ड की। तो जो ये printf है ये हमारा कहाँ पर डिफाइंड है, studio.h में, ये इसकी लाइब्रेरी है। सेकेंड लाइन जो आप देख रहे हो void main, main क्या होता है, हमारा main फंक्शन की डिक्लेरेशन है। इसमें void को जब हम यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी वैल्यू या कोई आउटपुट नहीं आएगी main फंक्शन से। जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो कि main फंक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम, कि ये सी प्रोग्राम का एक हिस्सा है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरियस फॉर्म्स में अलग अलग तरह से, मेन मेन उसके बाद ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद इंटीजर मेन वाइड मेन मेन वाइड वाइड मेन वाइड इंटीजर मेन वाइड। तो ये जो इसके साथ हमारे एम्प्टी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं फंक्शन के, वो हमें ये दिखा रहे हैं कि इसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू या पैरामीटर्स नहीं ले रहे। द एम्प्टी पैरेंथेसिस इंडिकेट दैट दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट वैल्यू और पैरामीटर्स। यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस एक्सप्लिसिटली बाय प्लेसिंग द कीवर्ड void इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, द कीवर्ड void मीन द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो इसमें जब हम void को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इन दिस केस द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज गेट ch। तो जब आप void को यूज़ करके कर रहे हो तो आपकी जो ये लास्ट स्टेटमेंट है वो गेट ch होगी। और जब हम यहाँ पर इंटीजर को लेके यूज़ करेंगे तो हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट रहेगी वो रिटर्न जीरो रहेगी। जैसे आप पढ़ रहे हो इन द अबव एग्जांपल द कीवर्ड इंटीजर मीन्स द फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, इन दिस केस द लास्ट स्टेटमेंट शुड ऑलवेज रिटर्न जीरो। कि जैसे आप ऊपर एग्जांपल में देख रहे हो कि जब आपने कीवर्ड इंटीजर यूज़ किया है
तो आपको रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीजर। तो इस केस में आपकी लास्ट स्टेटमेंट हमेशा क्या रहेगा, रिटर्न जीरो। और जब हम मेन void को यूज़ करेंगे void के साथ, तब हमारी लास्ट स्टेटमेंट हमेशा क्या रहेगी, गेट सी एच। उसके बाद जो नेक्स्ट रो है वो क्या है कि हमारे ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्टार्ट और ये जो करली ब्रैकेट एंड है। तो ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी हमारे प्रोग्राम का सोर्स कोड है वो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में ही लिखा जाएगा। और ये ब्रैकेट्स हमें ये भी इंडिकेट करते हैं कि ये स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम है। तो ये कुछ था आपकी स्ट्रक्चर के बारे में प्रोग्राम के। उसके बाद हम समरी पे चलते हैं। द मेन फंक्शन इज़ ए मैंडेटरी पार्ट, जरूरी हिस्सा है मेन फंक्शन। द यूज़ ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ हेडर फाइल, वी हैव टू इंक्लूड द फाइल एट द बिगनिंग ऑफ अवर प्रोग्राम। कि जैसे हमने फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है हमें हेडर फाइल की, उस तरह की हमें हेडर फाइल फंक्शन में बिगनिंग में प्रोग्राम के ऐड करना पड़ेगा। और जो पीछे हमने स्ट्रक्चर देखा है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और हमेशा सी का कोई भी प्रोग्राम हो इस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। चलो अब हम एक सिंपल प्रोग्राम राइट करते हैं सी में। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप सी को रन करोगे। जैसे ये शॉर्टकट है टर्बो सी प्लस प्लस, यहाँ पर स्क्रीन पर भी ये बना हुआ है टर्बो सी प्लस प्लस, आप इस पर डबल क्लिक करोगे। तो ये मैंने डॉस बॉक्स के थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि विंडोज़ 7 है, आपके पास एक्सपी या विंडोज़ 8 है, जो कि बहुत मुश्किल है आज के कंप्यूटरों में होना, पुराने सिस्टम्स में होता था, वहाँ पे सी सीधा इंस्टॉल हो जाती थी। 7, 8, 10 में हमें विंडोज़ को, इसको सी को इंस्टॉल करने के लिए डॉस बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। और जिन मेरे भाइयों और बहनों को नहीं पता कि 7, 8, 10 में हम कैसे इंस्टॉल करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी, वो मेरी एक पुरानी वीडियो है पहले की डाली हुई है कि हाउ टू इंस्टॉल डॉस टर्बो सी इन विंडोज 7, 8, 10, आप वहां से सीख सकते हो। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं, हमने सी को रन कर लिया है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए दिखा भी देता हूँ, तो अल्टर प्लस एंटर मारकर मैं इसे प्रेस करके इसको स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में हम जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर था वो भी खोल लेते हैं, ताजो आपको साथ के साथ वो भी दिखता रहे कि हम कौन सी लाइन टाइप कर रहे हैं, ठीक। तो इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं, रीसाइज़ कर लेते हैं छोटे साइज़ में। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है जो ये वाली है हमारी इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हम अपना प्री प्रोसेसर पहले इंक्लूड फाइल असाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर हैश इंक्लूड ओके असाइन कर ली। उसके बाद हमने मेन फंक्शन void main यूज कर लिया। इसके बाद हमारे करली ब्रैकेट्स शुरू हो गए। फिर हमने इसके अंदर जो भी हमारा सोर्स कोड है वो टाइप करेंगे। और इस प्रोग्राम में हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है जो हेलो वर्ल्ड करके है, उसे हमने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, वो टाइप कर ली। तो आपने प्रिंट एफ ब्रैकेट शुरू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमे, और जो भी आपकी स्ट्रिंग है, जैसे मैं अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस, तो आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमे के बीच में उसे लिखेंगे। उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे। जो सेमी कॉलन होता है वो हमारा एक कंपल्सरी हिस्सा है सी लैंग्वेज में, कि कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको द सेमी कॉलन डिटरमाइंस द एंड ऑफ स्टेटमेंट। इन ईच स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ
सेमी कॉलन। तो हमने अपना सेमी कॉलन के थ्रू क्या किया, इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट सी एच, ये क्या है कि आउटपुट को लेने के लिए गेट सी एच इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट बंद, उसके बाद हमारा सेमी कॉलन, उसके बाद करली ब्रैकेट्स क्लोज। अब हम कोई भी प्रोग्राम है उसे कंपाइल करके चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके यहाँ पर अल्टर प्लस F9 कंपाइल के लिए शॉर्टकट है, अगर आपने यहाँ स्क्रीन से करना है तो मीनू से कंपाइल पर क्लिक करके ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो हमारे को हमको यहाँ पे क्या है कि एरर आई है, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि फंक्शन गेट सी एच शुड हैव ए प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे हमारा जो ये लैंग्वेज है वो क्या बोल रही है, सी क्या बोल रही है कि आपको यहाँ पर एक और इंक्लूड करनी पड़ेगी फाइल जो कि है कोनियो डॉट एच। तो सी में क्या होता था, इसकी ज़रूरत नहीं होती थी। अब जो ये हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिए हैं, तो इस वजह से इस फाइल को हम लोग इंक्लूड करेंगे। फिर हम कंपाइल करते हैं इसको एक बार फिर अल्टर प्लस F9। तो आपके पास सामने स्क्रीन पर आ गया कि लाइन कंपाइल्स 461, वार्निंग 0, एरर्स 0। तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, जहां हम रन पर जाकर यहां पर रन पर क्लिक करेंगे तो क्या है कि आपको ये आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ड। अपने स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है, उसे सही कर लेते हैं, ठीक है, और फिर कंपाइल करते हैं। एक चीज और आपको बतानी है, क्लियर स्क्रीन की है ना। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे देखो स्पेलिंग सही हो गए, ये जो पहले वाला आउटपुट था वो भी आ रहा है स्क्रीन पर और नया भी आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पहले का आउटपुट है वो ना आए, तो हमने क्या करना है, CLR SCR, उसके बाद सेम ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू, और फिर हम कंट्रोल F9 कर देंगे। तो ये क्या आ गया, आपका डेक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। ये हाँ जी कर दें, ये किस चीज़ की एरर है कि आपने, मैंने जैसे बताया कि टोटली सोर्स कोड है जो आपका करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ये हमारी एरर ये था। तो अब हमने इसको करली ब्रैकेट के अंदर ले आए हम लोग और फिर कंपाइल करते हैं। तो देखिए पुराना जो आउटपुट था वो आपका क्लियर हो गया स्क्रीन से और नया आउटपुट आएगा हर बार। अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग बंद कर देते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल इंटर से आप लोग इसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो मैं फिर इसे डबल स्लैश के साथ इसको मैंने एक कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो मैंने क्लियर स्क्रीन को एक कन्वर्ट में कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जितनी बार भी आउटपुट लूँगा तो हमें क्या होगा कि पुराना रिजल्ट स्क्रीन से क्लियर नहीं होगा। अब हम इसे फिर एक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं और अल्टर कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, तो आप देख रहे हो कि पुराने रिजल्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इंटीजर कर देते हैं। तो इंटीजर करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू स्टेटमेंट गेट सी एच की जगह क्या देना होगा, रिटर्न 0। उसके बाद हम कंपाइल करते हैं तो ये प्रोग्राम भी हमारा कंपाइल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग C
सी में अपना पहला बेसिक प्रोग्राम रन कर सकते हो, बना सकते हो और उसे कोड करके देख सकते हो। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपको कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है वो भी दबाएं। इसके बाद मैं आगे सी की और भी वीडियोस डालूंगा अलग अलग प्रोग्राम्स की, और जिस प्रोग्राम का आपको रिक्वायर्ड है आप थ्रू कमेंट